अब अगर बात भगवानपुर की करें तो उत्तराखंड के भगवानपुर में भी प्रधानों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। प्रधान संगठन ने प्रधानों की निधि में कटौती पर हल्ला बोला है। गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय पर तालाबंदी करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही साथ प्रधानों ने मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। प्रधानों का कहना है कि सरकार के फैसले के बाद गांव के विकास काम रुक गए हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर बजट में कटौती करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। मांग ये है कि हमारी जो निधि थी पर ग्राम पंचायत की निधि वो एक मत तो 65% का थी, एक मत 25% का थी। तो इसकी वजह से हम गांव में क्या विकास कर देंगे। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी रोज भाषण देते हैं कि पंचायतों को मजबूत करा जाएगा, पंचायतों को मजबूत करा जाएगा, और हमारी राज्य सरकार जो वो हमारी निधि काटती जा रही है। पता नहीं वो पैसा किस जगह जा रहा, जिला पंचायत में जा रहा, मनमानी नहीं चलेगी। जो तो प्रधानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारेबाजी किए जा रहे हैं, ब्लॉक के जो मुख्यालय हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, उन पर तालाबंदी की जा रही है। लगातार जो मौजूदा सरकार है वो चुप है, शांत है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती हुई नजर नहीं आ रही। अब प्रधानों का ये कहना है कि जिस तरीके से वित्त में कटौती की गई है, कटौती की जो वजह है वो वजह कम से कम सरकार को साफ करनी चाहिए, क्योंकि कटौती होने के बाद प्रधानों के पास अगर किसी भी तरीके से बजट नहीं आएगा तो गांव का विकास कैसे होगा। गांव का विकास इसी वजह से अधर में लटका हुआ है। तो अनिल सैनी रुड़की से हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ग्राम प्रधान उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वित्त में कटौती को लेकर प्रदर्शन है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगा, ग्राम प्रधानों का आरोप है कि जैसे जो जो निधि आई है उसमें एक निधि में 65% और एक निधि में 25% की कटौती की गई है। मोदी सरकार वही दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है और इधर किसानों में इस बात को लेकर, प्रधानों में इस बात को लेकर बहुत रोष है। अनिल, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो प्रधान हैं, जो उग्र हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि कम से कम ये चीज तो वो बताएं कि अगर सरकार ने पैसे, बजट, वित्त में कटौती की है तो वजह तो आखिरकार सामने आनी चाहिए कि किस वजह से ऐसा किया है और सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। जी अभी अभी इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, इसी वजह से प्रधानों का जो ये उग्र आंदोलन चल रहा है क्योंकि उनको अंधेरे में रखा गया है और ब्लॉक से या कहीं से भी उनको किसी भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि उनका कटौती किस वजह से की गई है। इसी वजह तो यहाँ के जो रुड़की के जो प्रधान हैं उन प्रधानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, अगर आपकी बात हुई है तो क्या कुछ कहना है उनका? जी जैसे प्रधानों का कहना है कि जो अगर ये कटौती के बारे में हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया तो इसके विरुद्ध हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर हुआ तो हम तालाबंदी या कुछ भी इसको लेके सरकार के और सड़कों पे उतरेंगे, जनता को साथ लेंगे। अनिल, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये मामला प्रधानों के पास काफी दिन पहले आ चुका है लेकिन प्रधान अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, अब आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रधानों ने कोई बातचीत इससे पहले मौजूदा सरकार, अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी से उत्तराखंड में क्या कोई बात हुई है या फिर वहां से कोई आश्वासन ना मिलने की वजह से ये चीज आगे बढ़ी है? जी जैसे इसमें जो प्रधानों की जो यहाँ पे जो यहाँ की लोग राज्य सरकार है, राज्य सरकार को ले गए, अभी इसमें कहा गया इनको कोई भी आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया गया और बिना बताए उनको ये कटौती की गई है। तो अगर विकास की बात करें, जो गांव के विकास हैं, अब गांव के विकास प्रधानों के माध्यम से होते हैं, प्रधानों के वित्त में, पैसे में, बजट में कटौती हो गई है, इसे लेकर सरकार क्या करे, क्या सरकार के नुमाइंदे सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से गांव-गांव या ब्लॉकों में जाके क्या कोई विकास काम हो रहे हैं, कोई ऐसी खबर मिली है आपको? जी जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगा, प्रधानों का यही कहना है कि जब विकास का पैसा उनकी निधि काट ली गई है कि विकास कहाँ से कराया जाए और विकास को वो किस तरीके अपने पैसे से कराएं, ना उनको किसी तरह की कोई भी कोई सुविधा दी जा रही है, कोई नुमाइंदा सरकार का या कोई भी इस तरीके से कोई उनके पास नहीं पहुंच रहा है और जनता उसको लेके सवाल खड़े कर रही है जो प्रधानों को लेके मुश्किल का सबब बनते जा रहा है। क्या प्रधानों के इस आरोप पर, जो जिस तरीके से प्रधान आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो उनकी अनसुनी कर रही है, उनके बारे में नहीं सोच रही, गांव के विकास के बारे में नहीं सोच रही, जिस तरीके से वित्त में कटौती की गई है उसके पीछे क्या सरकार की मंशा है ये नहीं बता रही, तो क्या कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई बड़े नेता जो बीजेपी से है, राज्य सरकार से है, क्या उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया है? जिस तरीके से बातें भी सामने आती हैं कि जिलों में
लोगों की जो समस्याएं उन्हें सुनी जाती हैं, उसके बाद जो निवारण है वो होता है, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आया है? जी नहीं, जैसे इसमें किसी अभी विधायक ने या किसी ने, किसी मंत्री ने कोई इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है, और अभी प्रधान इसी बात को लेकर उग्र हो रहे हैं कि उनका कोई सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और जनता उनको परेशान करने पे लग रही है। जनता का कहना है कि हमारा विकास नहीं हो रहा, उनका कहना है कि निधि नहीं आ पा रही है। इसको लेकर प्रधानों में कार्यालय पर लगातार जो लोग हैं अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं, और बीजेपी कार्यालय पर जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, क्या ये प्रधान लोग अब तक कार्यालय नहीं पहुंचे हैं? जी प्रधान यहाँ पे जो मंत्री हैं, जो शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी, उनसे मिले हैं, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मिले हैं, लेकिन विधायक जो है भगवानपुर में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विपक्ष पार्टी के विधायक हैं। उनका कहना है कि अभी निधि का उनको कुछ नहीं बताया गया कि कैसे इसमें कटौती की गई है। जी तमाम अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो ग्राम प्रधान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, और अनिश्चितकालीन के लिए धरने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा सा कहना है कि हम गांव से प्रधान हैं, गांव के विकास की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, अगर हमें इस जिम्मेदारी मिलने के बाद बजट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, या फिर हमारे वित्त में कटौती की जाएगी, तो हम इन गाँव का जो विकास है वो कैसे कराएंगे? अगर सरकार ने इसके पीछे कुछ सोचा है, कोई वजह है, तो सरकार कम से कम इस बात की सफाई दे, इस बात को साफ करे कि ये बजट में कटौती क्यों की गई है, क्योंकि कटौती कोई थोड़ी बहुत नहीं की गई है, कम से कम तिहाई की कटौती की गई है, प्रधानों का यह आरोप है। प्रदर्शनकारी ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर क्या कुछ आपके आरोप मौजूदा सरकार पर हैं और क्या कुछ आप सरकार से पहल कर रहे हैं? चलिए एक बार दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो प्रदर्शन करने वाले जो प्रधान हैं वो हमसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण बात नहीं हो सकी। एक बार दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो पूरे राज्य में लगातार जो प्रधान हैं गांव के वो जगह जगह उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह के प्रधान हैं एकजुट होकर अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि जो उनके वित्त में कटौती की गई है, अगर वित्त में कटौती की गई है तो कम से कम उसके बारे में अपडेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ अब तक बताया नहीं गया, कोई अपडेट, कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है। अब बात अगर विकास की करें तो जिस तरीके से मोदी सरकार, जिस तरीके से सेंटर में मौजूद बीजेपी, स्टेट में मौजूद बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है और लगातार एक के बाद एक परेशानियों के निवारण की बात करती है, अगर कार्यालय की बात करें बीजेपी कार्यालय की, तो जगह जगह कार्यालयों में मंत्रीगण, नेता के नुमाइंदे, सभी लोग लगातार कोशिश करें कि जनता की जो परेशानी है उन्हें दूर किया जा सके, लेकिन जो खुद प्रतिनिधि लोग हैं, जो खुद मौजूदा प्रधान हैं, जो जनता की समस्याओं को जल्दी दूर कर सकते हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, एक बड़ा सवाल।